हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग। तो जो प्लीडिंग है उसके फंडामेंटल रूल क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि प्लीडिंग लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इस वीडियो के अंदर हम ये कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर सीपीसी के अंदर ऑर्डर 6 को अगर हम देखें तो ऑर्डर 6 जो डील करता है ये प्लीडिंग से रिलेटेड डील करता है। इसमें बताया गया है कि प्लीडिंग क्या है, क्या पार्टिकुलर्स होने चाहिए, क्या कंटेंट होना चाहिए, क्या फंडामेंटल है इसके प्लीडिंग के। तो ये सारी चीजें जो है ऑर्डर 6 में दिया है सीपीसी के अंदर। पर इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम जो फंडामेंटल रूल्स हैं प्लीडिंग के सिर्फ वो ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो फंडामेंटल रूल है प्लीडिंग का वो है कि जो प्लीडिंग होनी चाहिए वो फैक्ट्स बताए ना कि लॉ बताए। मतलब अगर आप कोई भी प्लेंट लिख रहे हैं या कोई भी रिटन स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो उसके अंदर जो फैक्ट्स हैं केस से रिलेटेड वो आप बताएंगे, ना कि किसी लॉ के बारे में बताएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई प्लेंटिफ है वो प्लेंट लिख रहा है तो वो अपने प्लेंट के अंदर जो फैक्ट्स है उसके केस से रिलेटेड वो बताएगा, ना कि वो लॉ बताएगा। मतलब कि ना वो कोई ये नहीं बताएगा कि ये चीज जो है इस सेक्शन के अंदर आती है सीपीसी के, इस ऑर्डर के अंदर आती है सीपीसी के। तो वो कोई भी ऐसा ला नहीं बताएगा, कोई भी प्रोविजन है ला का वो नहीं बताएगा, या कोई भी कंक्लूजन निकल के आ रहा है ला का तो वो नहीं बताएगा वो, क्योंकि ला अप्लाई करने का जो काम है वो किसका है, वो कोर्ट का है। तो कोर्ट जो है जुडिशियल नोटिस लेगा उस जो भी मतलब प्लीडिंग दी गई है उस पर, और उसके अकॉर्डिंग वो उस पर ला अप्लाई करेगा। पर देखिए, इस रूल के कुछ एक्सेप्शन भी हैं, अपवाद भी हैं। जैसे कि पहला एक्सेप्शन है फॉरन ला। तो कोई भी कोर्ट जो है ये बाउंड नहीं है जुडिशियल नोटिस लेते समय कि वो उस पर फॉरन लॉ अप्लाई करे। तो पर्सन को, जो भी पार्टी है, उसको अपनी प्लीडिंग के अंदर ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी कि इस पर या उनके केस पर जो है फॉरन लॉ अप्लाई होगा। एग्जांपल के तौर पर अगर बात करें, हम सपोज करिए दो पार्टी हैं ए और बी, उन्होंने कोई कॉन्टेक्ट करा आपस में, अब ये जेनेवा कन्वेंशन के अकॉर्डिंग करा या न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अकॉर्डिंग करा। तो ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो अगर दोनों पार्टीज के आपस में कोई भी डिस्प्यूट जो रेज होता है तो जब वो कोर्ट में जाएंगे तो उनको अपनी प्लीडिंग में ये चीज मेंशन करना पड़ेगा कि उन्होंने जो कॉन्टेक्ट किया है वो जेनेवा कन्वेंशन के अकॉर्डिंग किया है या फिर न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अकॉर्डिंग किया है। तो ये कोर्ट को बताना पड़ेगा, तभी कोर्ट को पता चलेगा, तभी कोर्ट उस पर फॉरन लॉ अप्लाई करेगा। इसका दूसरा एक्सेप्शन है कस्टम। कोर्ट इसके लिए भी बाउंड नहीं है कि जुडिशियल नोटिस के टाइम पर वो कस्टम को ध्यान दे, या मतलब कि उसका कस्टम को या यूजिस को, जो ट्रेड का यूजिस है या कस्टम है उन पर ध्यान दिया जाए। ये भी जो पार्टीज हैं उनको ही प्लीडिंग के अंदर मेंशन करना पड़ेगा कि उनके एरिया में ये कस्टम लगता है ट्रेड पर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, सपोज करिए किसी एरिया के अंदर जो ट्रेड का ये कस्टम है कि डिलीवरी से पहले जो पार्टीज है उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो ये उस एरिया का ये कस्टम है, तो ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी उनको प्लीडिंग के टाइम पर। हो सकता है जो दूसरे एरिया में है वहां पर कुछ और कस्टम हो, वहां पर शायद ये हो कि डिलीवरी पहले करी जाएगी उसके बाद में पेमेंट करी जाएगी। अगर किसी भी तरह का कोई कस्टम है ये भी प्लीडिंग के अंदर मेंशन करना पड़ेगा। तो ये भी एक तरह से जो फंडामेंटल रूल है फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम, तो उसका ही एक्सेप्शन है। थर्ड एक्सेप्शन की अगर बात करें तो वो है इन्फेरेंस ऑफ लॉ। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा है इस रूल के अंदर कि लॉ से अगर कोई भी कंक्लूजन निकलता है, कोई भी निष्कर्ष निकलता है, तो वो प्लीडिंग के अंदर मेंशन नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद भी जो ऑर्डर 6 है उसका रूल 7 इसका एक्सेप्शन है। ऑर्डर 6 का रूल 7 कहता है कि अगर इन्फेरेंस ऑफ लॉ, मतलब कि जो लागा जो कंक्लूजन है, वैसे तो प्लेंट के अंदर ना ही रिटन स्टेटमेंट के अंदर वो स्टेट किया जाएगा, मेंशन किया जाएगा, पर अगर उसकी वजह से जो प्लीडिंग के अंदर जो फैक्ट्स दिए हुए हैं उनको और अच्छी तरीके से समझा जा सकता है, उनको और अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया जा सकता है, उस केस में आप जो लॉ का वो कंक्लूजन है वो भी आप दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, सपोज करिए गिफ्ट का केस है जो कि गवर्न कर रहा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से। डिफेंडेंट जो है वो अपने रिटन स्टेटमेंट में ये चीज मेंशन करता है कि टोनी के द्वारा जो गिफ्ट है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया था उसकी डेथ से पहले, इस वजह से ये जो गिफ्ट है ये वॉइड है। कि गिफ्ट के लिए क्या है कि टोनी की एक्सेप्टेंस जो है वो जरूरी है, तो अगर डोनी की डेथ से पहले, मतलब कि वो मरने से पहले उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है तो उसको गिफ्ट नहीं माना जाएगा। डिफेंडेंट ने ये अपने
प्लेन अपनी रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर मेंशन किया। एक तरह से ये लाकर जो है कंक्लूजन बता रहा है, निष्कर्ष बता रहा है कि ये वॉइड है, पर क्योंकि ये फैक्ट्स हैं प्लीडिंग के तो उनको ज्यादा क्लियर कर रहा है, ज्यादा समझने लायक बना रहा है, तो इसलिए ये माना जाएगा आप इस केस में अगर ऐसा कोई केस है प्लीडिंग के अंदर जो इन्फेरेंस ऑफ लॉ है वो मेंशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे फंडामेंटल रूल के बारे में। दूसरा जो फंडामेंटल रूल है वो है कि प्लीडिंग के अंदर जितने भी मेटेरियल फैक्ट्स हैं वो चीज लिखे जाएंगे और सिर्फ मेटेरियल फैक्ट्स ही मेंशन किए जाएंगे। पहला हमने रूल पढ़ा था कि फैक्ट लिखे जाएंगे, ला नहीं लिखा जाएगा। दूसरा है कि जो फैक्ट लिखे जाएंगे वो मेटेरियल फैक्ट्स होने चाहिए। तो सेकंड फंडामेंटल रूल है प्लीडिंग का, वो ये कहता है कि सिर्फ मेटेरियल फैक्ट्स ही लिखे जाएंगे प्लीडिंग के अंदर। कि फैक्ट्स में और मेटेरियल फैक्ट्स में क्या डिफरेंस है पहले हम वो समझ लेते हैं। देखिए फैक्ट्स क्या है, फैक्ट्स जो भी हमने कहा, जो भी सुना, जो भी देखा, जो भी करा, वो सब फैक्ट्स होंगे। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं तो आपको फैक्ट्स और मेटेरियल फैक्ट्स में क्या डिफरेंस है वो समझ में आ जाएगा। सपोज करिए ए और बी दो पर्सन हैं, अब वो आपस में कोई कॉन्टेक्ट करते हैं, ए को बी को कुछ गुड्स जो है डिलीवर करने हैं और बी उसकी पेमेंट करेगा। ए है वो बी को गुड्स तो डिलीवर कर देता है पर बी उसकी पेमेंट नहीं करता है, तो ए बी के ऊपर केस करता है कि उसने उसको पेमेंट नहीं करी। ए अपने प्लेंट के अंदर ये सारी चीजें मेंशन नहीं करेगा वो कि बी मेरे पास इस डेट को आया, ये तो लिखेगा, फिर मैंने वो पहले उसको पानी दिया, फिर उसके बाद उसको चाय पिलाई, फिर हम इधर उधर की बातें करते रहे, फिर हमने कॉन्टेक्ट करा दोनों ने, ये सारे ही फैक्ट्स हैं जो है, चाय पिलाना, पानी पीना, दोनों ने आके हैंडशेक करा, या तो ये सब फैक्ट्स हैं, पर वो फैक्ट्स सारे नहीं लिखे जाएंगे। क्योंकि अगर ये सारे ही फैक्ट्स हम प्लीडिंग के अंदर लिखेंगे तो प्लीडिंग जो है बहुत ज्यादा मतलब कि है तो एक बंडल आपका इकट्ठा हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। इसलिए प्लीडिंग के अंदर सिर्फ जो मेटेरियल फैक्ट्स है मतलब कि उस केस से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं सिर्फ वही चीज मेंशन करी जाएगी, वही फैक्ट्स मेंशन किए जाएंगे। इसी एग्जांपल को अगर हम लें कि इस डेट को इसमें ये लिखा जाएगा सिर्फ कि ए बी ने इस डेट को कॉन्टेक्ट किया, ये कॉन्टेक्ट किया इस गुड्स से रिलेटेड, वो उसको गुड्स डिलीवर करेगा और वो उसको पेमेंट करेगा उसके बाद, और उसने इस डेट को उसको गुड्स डिलीवर कर दिए इसके थ्रू और उसने पेमेंट नहीं करी। उस केस से रिलेटेड जो मेटेरियल फैक्ट्स हैं सिर्फ वही फैक्ट्स लिखे जाएंगे। ये कैसे डिसाइड करें कि कौन से फैक्ट्स जो हैं वो मेटेरियल हैं और कौन से फैक्ट्स मेटेरियल नहीं है? इसका सिंपल सा फंडा ये है कि वो फैक्ट्स मेटेरियल फैक्ट्स माने जाएंगे प्लेंटिफ के लिए अगर उनको बताने से प्लेंटिफ है उसका राइट टू शू जो है शो होता है, जाहिर होता है। अगर डिफेंडेंट देता है तो उसका डिफेंस होगा, तो वो जो फैक्ट्स हैं वो मेटेरियल फैक्ट्स कंसीडर किए जाएंगे। एग्जांपल के तौर पे बात करें इंजेक्शन का कोई सूट है तो उसके अंदर प्लेंटिफ को ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी कि डिफेंडेंट ने उसको थ्रेट दिया है या कोई डिफेंडेंट की इंटेंशन है कि वो इलीगल एक्ट करेगा, तो ये चीज ही सिर्फ ये बता देगी कि ये मेटेरियल फैक्ट्स हैं। कि सेकंड फंडामेंटल रूल्स में हमने ये देखा कि सारे जो मेटेरियल फैक्ट्स हैं सिर्फ मेटेरियल फैक्ट्स ही बताए जाएंगे, पर देखिए एक प्लीडिंग के अंदर जितने भी मेटेरियल फैक्ट्स हैं वो सभी मेटेरियल फैक्ट्स बताने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्लीडिंग के टाइम पर आपने सिर्फ एक कोई मेटेरियल फैक्ट्स लिख दिया या कुछ आप भूल गए मेटेरियल फैक्ट्स, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी उस केस से रिलेटेड जितने भी मेटेरियल फैक्ट्स हैं ऑल मेटेरियल फैक्ट्स जो है वो स्टेट होने चाहिए प्लीडिंग के अंदर। कि अगर प्लीडिंग के अंदर आप सभी मेटेरियल फैक्ट्स मेंशन नहीं करेंगे तो फिर कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं होगा। अब बात करते हैं जो सेकंड फंडामेंटल रूल है प्लीडिंग का उसके एक्सेप्शन से रिलेटेड, उसके अपवाद के बारे में। जो फर्स्ट एक्सेप्शन है कंडीशन प्रेसिडेंट। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो हमें फिर ये इजिली समझ में आ जाएगा। सपोज करिए एक्स और वाई दो पार्टी है, जो एक्स है वो एग्री हो जाता है वाई का हाउस बनाने के लिए सर्टेन रेट्स पर, पर ये एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक कंडीशन रखते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि पेमेंट जो की जाएगी एक्स को वाई के द्वारा वो तब की जाएगी जब वाई का जो आर्किटेक्ट है वो ये सर्टिफिकेट दे देगा कि उसको एक्स को पेमेंट करनी चाहिए, मतलब वाई को एक्स को पेमेंट करनी चाहिए। फिर दूसरे वर्डों में अगर कहें तो ये कह सकते हैं कि जब तक वाई का आर्किटेक्ट है ये सर्टिफाइड ना दे दे या सर्टिफिकेट ना दे दे कि वाई को उस चीज के लिए और अमाउंट देना है या और मनी बकाया रह गया है उसको एक्स को और पेमेंट करनी चाहिए,
तभी वाई उसको पेमेंट करेगा। सपोज करिए जो एक्स ने एक्स और वाई के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वाई का हाउस बनाने के लिए, एक्स ने कहा वाई से कि मैं 50,000 रुपए लूंगा आपका पूरा घर बनाने के लिए। वाई ने कहा ठीक है मैं 50,000 रुपए आपको दूंगा, पर आगे की और पेमेंट जो है, मतलब कि अगर आपको लगता है मतलब और कुछ वो काम कराता है या कुछ ऐसा है, अगर वाई का आर्किटेक्ट जो है वो ये सर्टिफाइड करता है कि इस काम के लिए या इस तरह के लिए और अमाउंट देना चाहिए और ड्यू है एक्स को देना चाहिए, तो ही वो अमाउंट देगा, वरना जो सर्टेन रेट फिक्स किया गया है सिर्फ वही अमाउंट, मतलब 50,000 रुपए ही वो पे करेगा। एक्स जो है वो काम कर देता है, काम करने के बाद एक्स को लगता है कि उसको जो अमाउंट मिला है उस काम के लिए वो कम अमाउंट मिला है, तो वो वाई के ऊपर मनी के लिए जो है केस करता है। एक्स जो है अपनी प्लीडिंग के अंदर ये इस कंडीशन के बारे में जिक्र करता है कि पेमेंट के लिए ऐसे ऐसे कहा गया था कि वाई का जो आर्किटेक्ट है वो सर्टिफिकेट देगा उस चीज के लिए कि अमाउंट ड्यू है या नहीं है, तो और इस वजह से उसका राइट बनता है, उसका राइट ऑफ एक्शन बनता है कि उसको वो मनी दिया जाए, उसको और अमाउंट जो है वो वाई से दिलवाया जाए। अगर एक्स अपनी प्लीडिंग के अंदर ये कंडीशन के बारे में जिक्र करता है तो वाई को अपनी प्लीडिंग के अंदर जरूरी नहीं है कि वो उस सर्टिफिकेट के बारे में जो है बात करे या उसमें मेंशन करे कि उसको सर्टिफिकेट मिल गया है उसके आर्किटेक्ट के द्वारा और अमाउंट नहीं देना है। वो सिर्फ अपनी प्लीडिंग के अंदर ये चीज मेंशन कर सकता है कि उसके आर्किटेक्ट ने कभी भी ये सर्टिफाई नहीं किया कि उसको और अमाउंट देना चाहिए या उसके ऊपर और अमाउंट ड्यू है, इतना मेंशन करना भी ये सफिशिएंट है। इससे ये पता चलता है कंडीशन प्रेसिडेंस, अब इसको हम समझते हैं। देखिए अगर किसी तरह की कोई कंडीशन है पार्टीज के बीच में या कोई परफॉर्मेंस के ऊपर बिहाफ पे कोई फैक्ट्स है किस चीज के, या फिर कुछ ऑक्यूरेंस होने पर कि अगर ये ऐसा हुआ तभी ये चीज होगी या ये परफॉर्म हुआ तो ही ये कुछ होगा, या कोई कंडीशन है कि ये कंडीशन फुलफिल हुई तो ही हम पेमेंट करेंगे या कुछ और एक्ट होगा, अगर दोनों पार्टीज के बीच में ऐसी कोई भी चीज है तो उस केस में अगर कोई पार्टी उस कंडीशन का या फिर उस परफॉर्मेंस का या फिर उसके ऑक्यूरेंस होने से रिलेटेड कुछ भी अपनी प्लीडिंग के अंदर मेंशन करता है, चाहे वो प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, उस केस में जो अपोजिट पार्टी होगी उसको अपनी प्लीडिंग के अंदर उस कंडीशन के ऑक्यूरेंस होने पे या परफॉर्मेंस के ऑक्यूरेंस होने पर वो चीज उससे रिलेटेड जो पॉइंट है वो रेज करने पड़ेंगे, मतलब उससे रिलेटेड जो है क्लैरिफिकेशन उसको देनी पड़ेगी। इसका एक एक्सेप्शन है मैटर्स ऑफ इंड्यूसमेंट, मतलब कोई ऐसे मामले जिसमें मतलब कोई पर्सन जो है दूसरे पर्सन से इन्फ्लुएंस होकर कोई भी कार्य करता है, तो ऐसे केसों में जो पार्टीज हैं एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड मतलब कनेक्टेड हैं, किस तरह से उनका रिलेशन है या किस बिजनेस में वो जुड़े हुए हैं या कौन है वो पार्टीज एक दूसरे की, या फिर जो अदर सराउंडिंग सरकमस्टेंस है जिनकी वजह से डिस्प्यूट अराइज हुआ है, तो ये सारे जो इंट्रोडक्टरी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं स्टेटमेंट्स हैं ये प्लीडिंग में मेंशन की जाती है। हालांकि ये सब जो है मटेरियल फैक्ट्स नहीं है, सिर्फ एक तरह से इंट्रोडक्टरी एवरमेंट्स हैं, सिर्फ पार्टी के बीच के रिलेशंस के बारे में, उनके बिजनेस के बारे में या क्या है उसके बारे में सिर्फ बता रहे हैं, एक तरह से इंट्रोडक्शन दे रहे हैं सिर्फ। ये भी जो प्लीडिंग है प्लीडिंग के अंदर मेंशन किए जा सकते हैं, पर ये कम से कम हो सके तो कम से कम मतलब कि इनको लिखा जाना चाहिए प्लीडिंग के अंदर। बात करते हैं तीसरे फंडामेंटल के बारे में, तो तीसरा फंडामेंटल रूल है कि हर प्लीडिंग के अंदर जो है फैक्ट्स बताएंगे आप और एविडेंस नहीं बताएंगे। देखिए जो फैक्ट्स होते हैं वो दो तरह के फैक्ट्स होते हैं, एक होता है मटेरियल फैक्ट्स और एक होता है एविडेंस। जो एविडेंस होंगे वो भी फैक्ट्स ही कंसिडर किए जाते हैं, वो भी फैक्ट्स ही होते हैं। ये रूल कहता है कि प्लीडिंग के अंदर जो मटेरियल फैक्ट्स हैं वो मेंशन करने चाहिए, जो एविडेंस है वो आपने मेंशन नहीं करोगे। जो मटेरियल फैक्ट है उसको कहा जाता है फैक्ट्स प्रोबेंडा और जो एविडेंस है उनको कहा जाता है फैक्ट्स प्रोबेंशिया। इन दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे कि फैक्ट प्रोबेंडा कौन सा है, फैक्ट प्रोबेंशिया कौन सा है, मतलब कि मटेरियल फैक्ट्स कौन सा है और एविडेंस कौन से हैं। तो मटेरियल फैक्ट्स देखिए वो फैक्ट्स है जिसपे जो प्लेंटिफ है उसका क्लेम रिलाई करता है और जो डिफेंडेंट है उसका डिफेंस रिलाई करता है, तो वो जो फैक्ट्स हैं वो कहा जाएगा मटेरियल फैक्ट्स, इनको कहा जाएगा फैक्टा प्रोबेंडा। और एविडेंस फैक्ट कौन से हैं या फिर फैक्टा प्रोबेंशिया कौन से हैं, वो फैक्ट्स जिनकी जरूरत जो है मटेरियल फैक्ट्स को प्रूफ करने के लिए होती है,
जबकि जिन फैक्ट से मेटेरियल फैक्ट्स को प्रूव किया जाता है वो फैक्टा प्रोबेंशिया है, एविडेंस फैक्ट्स है। किसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज करिए एक एक पर्सन होता है ए, वो इंश्योरेंस कंपनी से एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, पर उस पॉलिसी की एक कंडीशन ये होती है कि अगर जो पॉलिसी होल्डर है वो सुसाइड कमिट करता है तो वो पॉलिसी वॉइड मानी जाएगी, मतलब उसको कुछ नहीं मिलेगा। जो इंश्योरेंस कंपनी है वो डिफेंस पेश करती है अपने रिटन स्टेटमेंट में कहो या डिफेंस में कहो, ये चीज मेंशन करती है कि जो ए पर्सन है उसने सुसाइड कमिट करी है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ मेटेरियल फैक्ट। अगर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपने रिटन स्टेटमेंट में ये चीज मेंशन करती है, कुछ भी इसमें से जो मैं आपको बताने वाला हूँ, कि जो ए का माइंड है मतलब इस टाइप ऐसे चल रहा था कुछ दिन से, या फिर ए जो है मतलब कि अपनी डेथ से पहले पिस्टल लेके आया था, या फिर ए की डेथ के टाइम पर उसके हाथ में जो है पिस्टल मिली थी उसके पास में, या फिर ए ने अपनी वाइफ को कोई लेटर लिखा था कि वो मतलब कि खुद को मारना चाहता है, तो ये सारे जो फैक्ट्स होंगे ये एविडेंशरी फैक्ट हैं, ये एविडेंस रिलेटेड फैक्ट है, ये मेटेरियल फैक्ट्स नहीं है। मेटेरियल फैक्ट सिर्फ इतना है कि उसने सुसाइड कमिट किया है, ये मेटेरियल फैक्ट्स है। और ये सब जो मैंने आपको बताया कि पिस्टल मिली पास में, या लेटर उसने लिखा था अपनी वाइफ को मरना चाह के वो खुद को मारना चाह रहा है जो जीना नहीं चाहता, या उसने पिस्टल खरीदी थी, तो ये सारे फैक्ट्स जो है ये एविडेंस फैक्ट है, इसलिए ये जो है प्लीडिंग के अंदर मेंशन नहीं किए जाएंगे। प्लीडिंग के अंदर सिर्फ मेटेरियल फैक्ट्स लिखे जाएंगे, एविडेंस फैक्ट नहीं मेंशन किए जाएंगे। फोर्थ फंडामेंटल रूल की बात करें प्लीडिंग की, जो मेटेरियल फैक्ट्स होने चाहिए, जो प्लीडिंग होनी चाहिए वो कंसाइज फॉर्म में होनी चाहिए। कंसाइज मतलब वो बहुत ब्रीफ में होनी चाहिए। ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जो अननेसेसरी एलिगेशन है उनको ना लिखा जाए प्लीडिंग के अंदर, या फिर जो अननेसेसरी डिटेल है मेटेरियल फैक्ट्स रिलेटेड वो ना लिखी जाए। प्लीडिंग के अंदर जो लैंग्वेज यूज की जा रही है उसको प्रॉपर अटेंशन दिया जाए, तभी जो प्लीडिंग है वो कंसाइज फॉर्म में ब्रीफ में लिखी जा सकती है। जो प्लीडिंग होनी चाहिए वो बहुत ही सर्टेन होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, ऐसा नहीं वेग नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि पता ही ना चल पाए कि किसके बारे में बात हो रही है, किस चीज से रिलेटेड बात हो रही है, या फिर जो दूसरी पार्टी अपोजिट पार्टी है उसको समझ में ही ना पाए, क्योंकि अगर दूसरी पार्टी को वो समझ ही नहीं पाई उसे, तो फिर वो जो ऑब्जेक्ट है प्लीडिंग का वही फुलफिल नहीं होगा। ये थे फंडामेंटल्स प्लीडिंग के। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम है।